जय हिंद वंदे मातरम। पेट की क्लास फिफ्थ के अंतर्गत आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं डेसिमल क्या होता है। बेसिक जानकारी आज की क्लास में हम आपको देंगे कि दशमलव क्या होता है, खास बातें क्या होती हैं, जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे किया जाता है और भाग कैसे किया जाता है। तो आज की क्लास में कुछ बेसिक बातें सीखेंगे। देखिए यहाँ पर दशमलव इस तरह का जो चिन्ह होता है, बिंदी लगा देता है, ये दशमलव होता है, सभी को पता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझिए बेसिक स्टूडेंट, ये जो दशमलव जहाँ पर भी लगा होता है, इसके जो इधर लिखा होता है इसे हम बोलते हैं पहले वाली संख्या, और जो इस दशमलव के इधर संख्या लिखी होती है उसे हम बोलते हैं बाद वाली संख्या, और ये जो दशमलव के पहले संख्या लिखी होती है इसे हम एक साथ पढ़ते हैं, और जो दशमलव के बाद में संख्या लिखी होती है उसे हम एक एक अंक करके पढ़ते हैं। तो ये है पढ़ने का तरीका। जैसे हम कहें कि बताइए ये क्या लिखा है, तो दशमलव के पहले की संख्या को एक साथ पढ़ते हैं और दशमलव के बाद की संख्या को एक एक अंक करके पढ़ते हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे 25.75 ऐसे पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा 25.75 मत पढ़िएगा, 25.75 इसे ऐसे पढ़ेंगे। जैसे अच्छा अगर बताइए हमने ऐसे लिख दिया 435.786, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे हम ऐसे पढ़ेंगे 435.786, ना कि 435.786, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो दशमलव के पहले की संख्या को हम एक साथ पढ़ते हैं और बाद की संख्या को एक एक अंक करके पढ़ते हैं। तो ये हो गया पढ़ने का तरीका, ये बात समझ में आई। अब कुछ खास बातें हैं दशमलव से संबंधित, जरा वो भी सीख लीजिए क्या है। देखिए दशमलव के बाद के अंकों के अंत में कितने ही शून्य लगा दें, संख्या में कभी कोई बदलाव नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे देखिए अगर 25.75 ये लिखा है, इसके आगे 75 के यानी दशमलव के बाद की संख्या के अंत में अगर हम जीरो लगा भी दें तो कोई मतलब नहीं है, संख्या जो 25.75 है यही मानी जाएगी। यानी अगर हम लिख दें 25.750 तो क्या ये अलग होगी संख्या, नहीं, ये यही संख्या है 25.75। 25.75 दो जीरो लगा दें तो क्या कोई मतलब है, नहीं, इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, यानी ये सभी संख्याएं इस तरह से लिखने पे बराबर होती हैं। अच्छा इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है ज़रा समझिए, यहाँ पर अगर हम जोड़ करने जाते हैं दशमलव की संख्या को तो कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले देखिए ये लिखा है 5.064 प्लस 3.98 प्लस 0.3, तो कैसे जोड़ते हैं। देखिए जैसे हमने पहली संख्या लिखी 5.064, तो हमको क्या करना है, हमें दशमलव को दशमलव के नीचे लिखना है, तो ये लिखा है 3.98 तो हमने दशमलव ये लिख लिया। अब इस दशमलव के पहले कौन सी संख्या है, 3 है, तो हमने दशमलव के पहले लिखा 3, ठीक है। इसके दशमलव के बाद क्या है, 9.8, तो हम यहीं से लिखेंगे दशमलव के बाद, यहाँ से 9 और ये 8। अब बताओ ये एक अंक छूट गया ना, तो हम अपने मन से जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अंक छूट गया तो अपने मन से जीरो बढ़ा लीजिए, क्योंकि हमने अभी आपको सिखाया कि जीरो लगाना या न लगाना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या एक समान होती है। अब जैसे यहाँ लिखा है 0.3, तो इसे कैसे लिखेंगे, दशमलव के नीचे हम दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद में लिखा है 3, तो हम 3 को यहाँ पर लिख देंगे। अब ये दो जगह बच गई तो हम अपने मन से जीरो बढ़ा लें, ठीक है, इधर भी जगह बच गई, इधर भी जीरो बढ़ा लें, प्लस लगा दिया, जोड़ लिया। अब बताइए कैसे जोड़ेंगे, 4 में नीचे कुछ है, नहीं है, 4 ही आएगा। 6 और 8 कितना हुआ, 14 हो गया, 14 का 4 लिखा, हासिल कितना हो गया, 1 हो गया। 9 1 10, 10 और 3 कितना हुआ, 13, 13 का 3 हो गया, हासिल 1 हो गया। 5 1 6 6 3 9, 9 हो गया, और ये दशमलव जहाँ था वो वहीं रखा रहेगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9.344। बात समझ में आ गई। अच्छा घटाते कैसे हैं, देखिए जैसे लिखा है 13 - 5.1967, तो कैसे घटाते हैं, 13 लिख लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी संख्या, कोई संख्या ऐसे लिख लिया हमने, यहाँ पर अगर हम दशमलव लगा दें और आगे जीरो लगा दें, तो अभी हमने आपको बताया है कि दशमलव के बाद अंत में जीरो कहीं पर भी लगा दें संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब इसे अभी भी हम क्या पढ़ेंगे, 24 ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे 13 लिखा है और यहाँ पर लिखा है नीचे 5.1967 घटाना है, तो हम 13 और आगे कितने भी जीरो लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है 5.1967, तो हमने लिखा 5.1967, तो हम कितने जीरो आवश्यकता अनुसार बढ़ा लें, तो एक तो हमने ये बढ़ा लिया, एक ये बढ़ा लिया, इसके लिए
इसके लिए एक बढ़ा लो और इसके लिए एक बढ़ा लो, अब बस ये घटा लो। कैसे घटाते हैं? सामान्य घटाना जैसे करते हैं वैसे ही घटाएंगे। देखो इससे यह हासिल जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ हासिल जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ हासिल जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ हासिल जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 7 घटा कितना बचा बताइए? 3 बचा। अब यहाँ क्या बचा? 9 बचा। 9 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। फिर यहाँ 9 बचा, 9 में 9 जाएगा कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब यहाँ बताइए क्या बचा? 9 बचा, 9 में 1 जाएगा कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब यहाँ से ये हासिल गया था तो यहाँ कितना बचा है? 2, और 2 में 5 घटेगा नहीं तो 12 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। और दशमलव जहाँ लगा था आप वहीं पर लगा दीजिए, बस ये हमारा आंसर आ गया 7.8033। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं। अब देखिए यहाँ पर गुणा कैसे करते हैं। सामान्य जैसे गुणा करते हैं बस आपको वैसे ही करना है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भूल जाना है कि दशमलव है भी। तो सीधे से कैसे गुणा करेंगे हम लोग, यहाँ से ऐसे गुणा करते हैं तो करते हैं गुणा, 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 को कितना हुआ? 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 3 कितना हुआ? 18, 18 और 2 हासिल का कितना हो जाएगा? 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, और 6 5 कितना हुआ? 30, 30 और 2 हासिल का कितना हुआ? 32। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब बात आती है दशमलव लगाने की, दशमलव लगाएंगे कैसे? तो देखो जरा यहाँ पर दशमलव के बाद, दशमलव के पहले नहीं, अभी इसीलिए हमने आपको पढ़ना सिखाया था, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? तो आप कहोगे 2 अंक हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो बस आपको यहाँ से चलते हुए उतने ही अंकों के बाद दशमलव लगा देना है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2, तो यहाँ से भी 1 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दीजिए। ये हमारा आंसर आ गया 32.04। बात समझ में आई? अगर ये दोनों तरफ दशमलव होता तो क्या करते? जैसे सामान्य गुणा करते हैं सबसे पहला काम है आपको उसी तरह से गुणा कर लेना है। 15 6 कितना हो जाएगा? 90, 15 6 90 का 0 हासिल लगा 9, 15 15 कितना हो गया? 75, 75 और 9 कितना हुआ? 84, 84 का 4 हासिल लगा 8, और 15 2 कितना हुआ? 30, 30 और 8 हासिल का कितना हुआ? 38, 38 का 8 हासिल लगा 3, 15 4 60, 60 और 3 हासिल का कितना हुआ? 63। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब बात आई दशमलव लगाने की, यहाँ पर दशमलव कैसे लगेगा। दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक हैं? 1 2 3 कितने अंक हैं? 3, और यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1। अब इन दोनों को जोड़ लो आप, 3 और 1 कितना हुआ? 4। उतने ही अंक के बाद आपको यहाँ से चलते हुए दशमलव लगाना है और ऐसे जोड़ा करो 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद यहाँ से चलते हुए आपको दशमलव लगाना है। तो कैसे? 1 2 3 4 यहाँ पर लगा दिया दशमलव, बस हो गया हमारा आंसर 6.3840। बात समझ में आई? तो इस तरह से हमको करना होता है गुणा। अब हम चलते हैं भाग की तरफ। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यही बताया कि चाहे जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, दशमलव आपको भूल जाना है, सामान्य तरीके से आपको करना है, उसके बाद आती है बारी दशमलव को लगाने की। तो देखिए यहाँ पर जैसे 9 का भाग हमको लगाना है 1.35 में, तो कैसे लगाएंगे? हम साधारण तरीके से जैसे भाग लगाते हैं बस वैसे ही लगा देंगे 135 में, हम भूल जाएंगे कि दशमलव है। लगा दो भाग, 9 1 कितना हुआ? 9 हो गया। हासिल कितना बचा? 4। इस 5 को उतारेंगे, कितनी बार जाएगा भाग? 5 बार जाएगा। कट गया, कुछ भी नहीं बचा, कितना आ गया? 15 आ गया। अब बारी आई दशमलव को लगाने की, कैसे लगाएंगे दशमलव? तो देखिए जैसे आपने ऊपर गुणा में लगाया था वैसे ही यहाँ पर भाग में लगा दीजिए। देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 2 अंक है ना, तो बस आप यहाँ से इधर की ओर चलते हुए 2 अंकों के बाद लगा दीजिए दशमलव, 1 2। ये हमारा आंसर हो गया 0.15। बात समझ में आ गई? अब बारी आई अगर दोनों तरफ दशमलव हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग देना है उसके अगर हम दशमलव को हटा लें तो क्या इसी तरह का क्वेश्चन बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो इस दशमलव को हम कैसे हटाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, कुछ याद नहीं करना है आपको। जब आप साइकिल या गाड़ी को चलाते हैं तो जितना आगे वाला पहिया भागेगा उतनी ही दूरी तो पीछे वाला पहिया तय करेगा। बात समझ रहे हैं? तो अगर इस दशमलव को हमको हटाना है तो हम इधर की ओर चलते हुए इसको निकाल दें। कैसे? 1 2 2 अंक के बाद अगर इधर हम दशमलव लगा दें तो ये दशमलव बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, ये 15 हो जाएगी संख्या, 15 दशमलव, और ऐसे तो कुछ भी कर दो तो 15 ही तो मानेंगे। तो इसको अगर हम निकालना चाहते हैं दशमलव को तो हमको इधर की ओर खिसकाना होगा 1 2 अंक,
ठीक है। तो बस जैसे हमने अभी आपको बताया कि साइकिल का पहिया जितना आगे वाला चलेगा उतना ही पीछे वाला चलेगा, तो ऐसा ही यहाँ पर होता है। अगर इस दशमलव को हम नीचे वाले दशमलव को हम दो अंक खिसका करके इधर लाना चाहते हैं तो ये वाला दशमलव भी दो अंक इधर की ओर खिसक जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा और ये दशमलव खिसक करके यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हम आराम से जिस संख्या से भाग देना है उसके दशमलव को हटा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी संख्या, ये संख्या ऐसी हो जाएगी, देखिए जीरो जीरो और देखिए यहाँ खिसक करके आएगा एक दशमलव 845 और भागे ये दशमलव इधर खिसक जाएगा तो ये हो जाएगा 15, दशमलव निकल गया बाहर। अब ये सीधे क्या पहले जैसा भाग नहीं दिख रहा है, सीधे वैसा ही भाग दिख रहा है ना, क्या करना है हमको भाग लगा देना है, 15 का भाग लगाना है किसमें, देखिए ये पहले है कोई मतलब नहीं है इसका, ये है 1.845। तो हमने आपसे क्या कहा, इस दशमलव को भूल जाइए, दशमलव को आप भूल जाइए, अब सीधे से भाग लगाइए, 15 का भाग लगाइए कितनी बार जाएगा एक बार, 15 एकम 15, शेष कितना बचा 3, 4 को उतारेंगे कितनी बार जाएगा दो बार, 15 दूना 30, कितना शेष बचा 4, इस 5 को उतारेंगे कितनी बार चला जाएगा 3 बार, 15 तिया 45, भागफल क्या आया 123। अब बारी आई दशमलव लगाने की, कैसे लगाएंगे दशमलव, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2 3, 3 अंक है ना, तो बस आप इधर से इधर की ओर चलते हुए 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए 1 2 3, दशमलव 1 2 3, ये हमारा आंसर आ गया। कोई काटापेटी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अगर आप करेंगे कि जिस संख्या से भाग देना है उसके दशमलव को अगर हम बाहर निकाल दें तो ये सामान्य सा भाग बन जाता है, फिर साधारण तरीके से बस हम भाग देंगे और बाद में जैसे दशमलव की स्थिति है उसी तरह से हम उसको चिपका देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में दशमलव से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट आप सबने सीख लिए होंगे। चलिए मिलते हैं क्लास 6 को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।